अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.6। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.7। द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेज दैट मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। How many grams of magnesium sulfide can be made from 1.50 gram of magnesium and 1.50 gram of sulfur by reaction? Simply, the mean is that when 1.50 gram of magnesium and 1.50 gram of sulfur react with together, how much amount of magnesium sulfide is produced in terms of gram? First of all, you should have to convert magnesium, gram of magnesium and gram of sulfur in terms of moles. What is the formula of moles? Given mass divided by molar mass. Moles of magnesium. Now I am going to calculate how many moles of magnesium. 1.50 gram of magnesium contain how many number of moles of magnesium? Given mass of magnesium is 1.50 gram divided by molar mass of magnesium which is 24 gram according to periodic table is equal to, अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखें तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0625 मोल्स, 0.0625 मोल्स ऑफ moles of magnesium. One point five zero gram of sulfur contain how many moles of sulfur? Same इसी तरह हम सल्फर का भी moles determine करेंगे. Given mass of sulfur is 1.50 gram, same as magnesium, divided by molar mass of sulfur which is equal to 32 gram. अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0467 ग्राम. तो यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नीशियम और सल्फर के जो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम हमें गिवन था उसे हमने कन्वर्ट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, 0.0467 मोल्स ऑफ सल्फर. अब सेकेंड स्टेप हमारे पास है, जैसे कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम में भी करके आए हैं, स्टोइकोमेट्री ऑफ दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जब हमारे पास वन मोल था, व्हेन वी हैव वन मोल ऑफ मैग्नीशियम, उस वक्त हमारे पास जो मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ था वो भी वन मोल ही था, वन मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड. लेकिन अब जो हमारे पास मोल्स आए हैं मैग्नीशियम के, हमें ये डिटरमाइन करना है कि जब हमारे पास 0.062 जो कि अभी हमने डिटरमाइन किया, जो हमने कन्वर्जन की ग्राम को मोल में, व्हेन वी हैव 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो उस वक्त जो मैग्नीशियम सल्फाइड है वो कितना प्रोड्यूस होगा, तो हम 1 को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ 0.0625 मोल्स के साथ. अगर आप इसे करके देखें तो आपके पास आंसर आएगा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, 1 मोल. बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास वन मोल ऑफ सल्फर, तो उस वक्त हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट कितना था, वन मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. लेकिन हमें डिटरमाइन करना है कि जब हमारे पास 0.0467 मोल्स होंगे सल्फर के, उस वक्त कितना मैग्नीशियम
मैग्नीशियम सल्फाइड प्रोड्यूस होगा 0.0467 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूसेस हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड. तो हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड 1/1 मल्टीप्लाई बाय 0.0467. तो अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तब आपके पास आंसर ये सेम ही आएगा जो कि है 0.0467, क्योंकि यहाँ पर जब 1 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं होगी. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.0467 जो मोल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे किसके, मैग्नीशियम सल्फेट के. ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि जब 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 0.0467 मोल्स ऑफ सल्फर तो कितना मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस होगा. अब अगर हम यहाँ से दोनों आंसर्स को कंपेयर करवाएं तो हमें पता चलता है कि लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट की कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फर, जो कि है 0.0467. सो हेयर सल्फर इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मैग्नीशियम इज़ अ एक्सिस रिएक्टेंट. अब हमें क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के प्रोड्यूस होंगे. अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के, मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स को इन टर्म्स ऑफ ग्राम. तो आप लोगों को यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगी कि हमारे पास तो 2 मोल्स आए हैं मैग्नीशियम सल्फाइड के. तो रूल ये होता है कि आपको लीस्ट क्वांटिटी चूज़ करनी होती है. तो यहाँ पर जो लीस्ट क्वांटिटी है वो है 0.0467. तो आप लोगों को पता है कि जब हम मोल से ग्राम में जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलर मास को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल्स के साथ, मोलर मास इनटू मोल्स. अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास होगा मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32. तो जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 56 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड का मोलर मास हो जाएगा. ठीक है, तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको मिलेगा 56 ग्राम. अब हमने कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड का. तो जब मास, जब हम मोल्स को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तो हम लोग क्या करते हैं, जो मोलर मास होता है मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल्स के साथ. तो यहाँ पर जो लीस्ट मोल की वैल्यू है वो हम लेंगे. मैं यहीं पर ही अगर सॉल्व करूं, मोलर मास हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड का है 56 मल्टीप्लाई बाय मोल्स. तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले जो लीस्ट क्वांटिटी हमें मिली है मोल्स की वो लेंगे 0.0467. अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.615 ग्राम. मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि आप लोग जो हैं वो कैलकुलेटर पे वैल्यू लाजमी कैलकुलेट किया करें, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसे होता है कि जो आपकी बुक में वैल्यूज़ दी होती हैं वो अक्सर ठीक नहीं होती. और मैं फ़िलहाल आपकी बुक की ही वैल्यू लिख रही हूँ, तो आपने कैलकुलेट करके देखनी है ये कैलकुलेटर में. हम अगर अब जो हमने कैलकुलेट किया है वो है मैग्नीशियम सल्फाइड का मास जो कि 2.615 ग्राम मिला है. कब, जब 1.50 ग्राम मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया था 1.50 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ, तो हमें कितना मैग्नीशियम सल्फाइड मिला, 2.615 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड. तो ये था आज का हमारा लेक्चर. थैंक यू सो मच.